बिसमीम उसके बाद आप सब ने जो कॉपी वर्क करना है साइंस का वो किस तरह करना है सबसे पहले ऊपर डेट लिखनी है नाइन अप्रैल उसके बाद होमवर्क उसके बाद फ्राइडे ठीक है यूनिट नंबर वन है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जानदार और बेजान चीज़ें ठीक है राइट द नेम्स ऑफ एनी टू तो लिविंग थिंग्स है? आप सब की एक्टिविटी है कि किसी भी दो जानदार चीजों के नाम आप सबने अपनी कॉपी पर लिखने हैं जानदार चीजें क्या होती हैं जो खाना भी खाती हैं ठीक है जो बड़ी भी होती हैं जो चलती भी हैं ठीक है तो पहला नाम क्या है फिश दूसरा नाम क्या है ट्री ठीक है फिश फिश क्या होती है मछली मछली खाना खाती है और खुद चलती है, खुद एक जगह से जा तैर कर दूसरी जगह जाती है ठीक है और पहले मछली छोटी होती है फिर जब वो खाना खाती है फिर वो बड़ी हो जाती है ठीक है इसलिए फिश क्या हुई जानदार इसलिए हमने पहला नाम लिखा फिश का दूसरा लिखा ट्री का जी पहले छोटा प्लांट होता है फिर जब हम उसको पानी देते हैं वो बड़ा होता चला जाता है ठीक है इसलिए फिश ट्री ठीक है ये दोनों लिविंग थिंग्स हैं आप सब ने भी अपनी कॉपी के ऊपर सेम इसी तरह होमवर्क करना है और इसको याद भी करना है ठीक है अल्लाफ़